हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समीम अंसारी तेली बाइक। दोस्तों आज आप लोगों को दिखाऊंगा महिंद्रा गस्टो में अगर सीडीआई ख़राब हो जाए तो उसमें दूसरी गाड़ी का जैसे डीलक्स, होंडा साइन, स्प्लेंडर प्रो की सीडीआई कैसे इंस्टॉल करें जैसी जुगाड़ से जो काम कर जाए अगर मार्केट में ना मिले तो। अगर मार्केट में आपको महिंद्रा गस्टो की सीडीआई मिल रही है तो उसी को लगाइएगा, अगर ना मिले तो देसी जुगाड़ कैसे किया जाता है आज मैं आपको दिखाऊंगा। सो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हमें चाहिए ऐसा एक सॉकेट जो किसी भी पुरानी वायरिंग होंडा की कोई सी भी हो, स्प्लेंडर हो, शाइन हो, सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर, जिसकी ये सॉकेट हमें लेनी पड़ेगी। इसमें चार तार है, एक तो ये हो गया हमारा ब्लैक पे येलो जो EHT कॉइल जो लीड कॉइल प्लग वाली होती है उस कॉइल में जाएगा, और ये हो गया हमारा अर्थ का वायर, और ये हो गया हमारा जो बैटरी से करंट आता है 12 वोल्ट वो इसमें जोड़ेंगे, और ये हो गया हमारा पिकअप कॉइल का। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे ये वायर आ रही है पिकअप कॉइल का, इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ना है, और ये हमारा हो गया अर्थ का वायर न्यूट्रल वायर, इसको यहाँ जोड़ना है, और ये हमारा हो गया HT कॉइल का जो हमारा प्लग लीड कॉइल है इसका वायर हो गया, इसको यहाँ जोड़ देंगे। और महिंद्रा गस्टो में हमारा जो बैटरी का 12 वोल्ट करंट है वो उस ब्लैक वायर में आता है। तो दोस्तों इसको ये CDI में जा रहा है तो इसको अलग कर लेते हैं, और जो वायरिंग से आ रहा है उसको इनपुट करेंगे इस रेड वाले वायर में, ब्लैक वायर को 12 वोल्ट बैटरी का। सो गाइस अब रोकेंगे, तो हमारा प्लग का वायर कहाँ पर है, खोल प्लग का वायर, प्लग के खोल, चलो हम लोग सेल्फ मारो रे। देखो हमारा करंट कितना बेहतरीन आ रहा है, आप गाड़ी स्टार्ट करके भी आपको दिखाता हूँ, एक्सीलेटर वगैरह सब कुछ बढ़िया पकड़ेगा। पकड़ो इसको फोन को, ब्रेक पकड़ना, ब्रेक खाली करके